सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है रूहुल, आप देख रहे हैं रूहुल अमीन शेख गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज की वीडियो गेमिंग से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टॉकबैक क्या होता है और टॉकबैक को आप अपने फ़ोन में कैसे सेट करेंगे या कैसे इनेबल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि टॉकबैक उन लोगों के लिए होता है जो ना देख सकते हैं सही से, यानी उनको देखने में तकलीफ़ होती है या वो खुद से रीड नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं रीड कराने के लिए, जैसे उनको कमांड देते हैं कि रीड दिस पेज, तो बहुत सी जगह पर गूगल रीड नहीं करता है। जैसे जीमेल है, आपके मेल्स रीड नहीं करेगा, वो प्राइवेसी रीज़न देता है कि आपकी प्राइवेसी है, आप खुद से रीड करें। और कुछ ऐसे ऐप्स है जो उसको रीड करने का परमिशन नहीं देते हैं। हाँ, व्हाट्सएप रीड करने का परमिशन देता है और कुछ मैसेजिंग ऐप है जो उसको परमिशन देते हैं या वो SMS रीड कर लेता है, बट वो ईमेल्स रीड नहीं कर सकता, ना ही टाइपिंग आपके लिए मदद कर सकता है, क्योंकि आप उसको मैसेज जो बोलेंगे उतना ही सेंड करेगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइप करके भेजना है, वो अगर वो टाइप नहीं कर पा रहा है, डॉट है, कॉमा है, वो टाइप नहीं बोलेंगे तो आप डॉट कॉमा की स्पेलिंग लिखता है वो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टॉकबैक सही से इस्तेमाल करना सीख पाएँ तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। टॉकबैक यानी आप टेक्स्ट टू स्पीच समझ सकते हैं कि जो स्क्रीन पर लिखाएगा वो रीड कर कर आपको सुनाएगा। मैं आपको एक बार उसको सेटअप करने का तरीका सिखा देता हूँ और एक बार आपको बताऊँगा कि वो रीड कैसे करता है। आइए सेटिंग में चलते हैं, मैंने सेटिंग्स पीछे ही मेनू में खोल रखी है, तो चलिए सेटिंग ऐप ओपन करते हैं। सेटिंग ऐप मैंने ओपन कर लिया है, आपको ऊपर टॉक सर्च करना है या टॉक बैक सर्च करना है। मेरे इसमें टॉक सर्च करने पे आ जाता है, कभी कभी टॉक बैक पे आता है। आपको टॉक सर्च करने के बाद आपको टॉक ऐप टॉक में जाना है, टॉक बैक में। आपको यहाँ पे ये टॉक बैक ब्लिंक होता दिख रहा होगा, जिसको नहीं दिख रहा है मैं अभी रीडिंग स्क्रीन पर लाऊँगा तब आपको दिखा दूँगा। आपको उसको ऑन ओपन करना है और इधर से आपको एक्टिवेट पे प्रेस करना है। इसके पीछे वो कुछ कुछ बोलेगा तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा है। आपको ये अलाउ करने के लिए परमिशन मांगेगा, पहले आपको उसको अलाउ कर देना है, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं। समटाइम्स ये टॉकबैक बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है या आवाज नहीं आती। अभी ऑन हो गया, उन्होंने एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपको बाहर जाना है तो आप बाहर जा सकते हैं, बैक बटन प्रेस करेंगे तो आपको बोलेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे भी उसने बोला बैक। तो अब आपको ऊपर देखने मिलेगा ऑटो अपडेट सिस्टम ओवर वाईफाई, फिर उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, ऑफ कंट्रोल डिवाइस वी आर मेन्यू, ये लास्ट मेन्यू और सेलेक्ट टेक्स्ट आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा टॉक बैक। उसके बाद आप बाहर आएंगे तो मैं आप लोगों को दूसरे तरीके बताता हूँ जैसे वो रीड कैसे करता है और कैसे आप उसको रीड करवाएंगे अच्छे तरीके से। Double tap to activate. आपने होम स्क्रीन पे गए, अब उसके बाद आपको अगर सपोज कुछ टाइप करना है या किसी को कुछ मैसेज भेजना है, तो मैं मैसेज तो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाट्सएप ओपन नहीं करूँगा, तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को अपना वो खोल के दिखा देता हूँ, प्ले स्टोर। हाँ, प्ले स्टोर ही खोल लेते, प्ले स्टोर नहीं, आपका सर्च ऐप ही ओपन कर लेते हैं। सर्च ऐप ओपन करने के लिए अपना गूगल का तो सर्च बार है वो ओपन कर लेते हैं, तो गूगल सर्च बार को आपको प्रेस करना है। Google search button. जैसे आपने इस पर किया तो ये
ये खुल जाएगा. सर्च एडिटिंग सर्च एडिट बॉक्स शोइंग इंग्लिश यूएस अजर्टी कीबोर्ड. तो ये आप इंग्लिश यूएस अजर्टी कीबोर्ड बोल रहे हैं, मतलब यूएस इंग्लिश आप यूज कर रहे हैं. अपना डिफॉल्ट यूएस इंग्लिश ही होता है इंडिया में भी. जैसे आपने एच प्रेस किया तो एच बोला उसने, जे बोला, आर आर बोला, ई बोला, एस एस बोला. अब सपोज मैं अपना जो नंबर है वो टाइप करना है तो आप करेंगे नीचे के राइट साइड पे, ये नीचे के लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वाला लास्ट ऑप्शन है सिंबल कीबोर्ड. सिंबल कीबोर्ड उस पर क्लिक करेंगे. डिजिट कीबोर्ड मतलब नंबर्स कीबोर्ड खुल गया है, यानी आप में ऐसे नंबर टाइप कर सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6. कुछ इस तरह से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. और अगर आपको कोई चीज डिलीट करें तो आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो डिलीट भी बोलेगा. छह अक्ष डिलीट हो गए, मतलब छह नंबर जो है जो आपने सिक्स टाइप किया था वो सिक्स डिलीट हो गया. पांचवा नंबर डिलीट हो गया. अब सपोज के आपको कोई और चीज रीड करानी है तो आप नीचे से होम बटन प्रेस करेंगे. जब मैं होम बटन पे जाता हूँ जीरो है, जैसे भी आप इसको प्रेस करेंगे लेटर कीबोर्ड. Double tap to activate. Actions available. Use tap with three fingers to view. Editing. Yours 12,340. Edit box. Search. Showing English US AZERTY keyboard. उसके अलावा ये space. Space. Dot. Window keyboard. Yours 12,340. Search. Double tap to activate. Period. ये पीरियड का ऑप्शन है कि आपको कितना वो देना है. जैसे अभी अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास तो आपको रीड कराना है home. तो आप ये होम बटन पे जाएंगे बाहर. Keyboard hidden. System home screen. Google search. Button. Double tap to activate. तो जैसे अभी आपको कोई ऐप को नहीं, मैं आपको बताता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल के मेरे पास एक्चुअली नोट पैड नहीं है तो मैं आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाता था, बट मेरे फ़ोन में नोट पैड नहीं है. H होटल कैलकुलेटर डबल टैप टू एक्टिवेट डबल टैप एंड होल्ड टू लॉन्ग प्रेस होम स्क्रीन 1 डबल टैप. जो जो आपके फ़ोन में ऐप्स रहेंगे वो भी आपको रीड करके सुनाएगा. आप किसी मैसेज पे जाएंगे तो वो मैसेज भी आपको पढ़ के सुनाएगा. अगर हो सकेगा तो मैं लास्ट में इसकी एक मैसेज पेज ऐड कर दूंगा जिसमें वो मैसेज पढ़ के सुना रहा होगा. ओके, स्पेलिंग करेक्शन भी इसमें होता है, उसकी सेटिंग्स मैं आपको जल्दी बताऊंगा अगली वीडियो में. अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपके कमेंट बॉक्स द्वारा. ओके, तो अब आपको मैं ये प्रोसेस बता दिया हूँ कि आपको रीड कैसे कराना है, टेक्स्ट हो या कोई ऐप वो ओपन करना है या किधर आप कहाँ क्लिक कर रहे हो वो आपको बोलेगा. अगर अभी आपको जैसे रिसेंट मेन्यू में जाकर अभी मुझे इसको डिसेबल करना भी सिखाना है आपको कि इसको आप डिसेबल कैसे करेंगे. ओवरव्यू पे प्रेस करेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे. Recent apps Google 102. Recent apps Google. Settings to accessibility. Talkback. On speak items on screen. तो मैंने talkback पे वापस लेके आ गया ताकि मैं आपको disable करना सिखा दूं. तो disable करने के लिए talkback वाले आइकन को double tap करना है. Talkback. Out of list.
डबल टैप टू एक्टिवेट। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स, इन दिस डबल टैप टू। मैं सेटिंग में एक बार आपको इसके ऑप्शंस दिखा देता हूँ। टॉप बैक सेटिंग्स, नेविगेट अप बटन, आउट ऑफ लिस्ट, डबल टैप टू एक्टिवेट। नेविगेट अप बटन आउट ऑफ लिस्ट है, अभी आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। टॉकबैक सेटिंग्स, टॉकबैक सेटिंग, न्यू फीचर्स इन टॉकबैक, न्यू फीचर इन टॉकबैक, वर्ड ऑफ 18 नया है। 18 आइटम्स। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स, टॉक टेक्स्ट टू स्पीच सेकंड, डबल टैप टू एक्टिवेट। फिर उसके बाद वर्बोसिटी 4 ऑफ 18, साउंड एंड वाइब्रेशन 5 ऑफ 18, कंट्रोल्स हेडिंग 6 ऑफ 18, कस्टमाइज फोकस 7 ऑफ 18, Customized gestures, 8 of 18. Customized menus, 9 of 18. Double tap to activate. अब अगर किसी के इसको बंद करना है तो मैं क्या करना है, आपको टॉकबैक में वापस आना है। Back. Talkback. टॉकबैक में आएंगे। In list. Double tap to activate. आप टॉकबैक में आने के बाद आपको ये जो ऑन का टिक दिख रहा है ब्लू वाला, आपको जिसको नहीं दिख रहा है वो क्लिक करके देख सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बोले ऑन स्विच, यहाँ पे आपको और दो ऑप्शन मिलते हैं, मैं आपको पढ़ा कर एक और प्ले करके सुना देता हूँ। टॉकबैक शॉर्टकट, शॉर्टकट डबल टैप टू एक्टिवेट। शॉर्टकट में क्या होगा कि आपका जो शॉर्टकट है स्क्रीन पे बन जाएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो अपने आप ही वो रीड करना लग जाएगा। आपको रीड का ऑप्शन आ जाएगा, दूसरे भी ऑप्शन आपको शो करेगा, जैसे सेटिंग्स है और दूसरा जो ऑप्शन है। टॉकबैक वाटरमार्क ऑफ स्विच, वाटरमार्क डबल टैप टू एक्टिवेट। वाटरमार्क जो है आपकी स्क्रीन पे एक जगह फिक्स हो जाएगा, जैसे मेरी वीडियो में ऊपर काइंड मास्टर का वीडियो ये जो लोगो है फिक्स होता है ऊपर राइट कॉर्नर पे, आप देखे होंगे कई बार, वैसे इसका एक लोगो है वो फिक्स हो जाएगा कि उसको आप क्लिक करेंगे तो टॉकबैक डायरेक्ट सेटिंग में चले जाएंगे। अगर आपको और अधिक जानना है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप गूगल पे भी ज़्यादातर सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बगल में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल पे सेलेक्ट करो, ताकि कोई भी वीडियोस चाहे वो गेमिंग हो या टेक्निकल हो आप मिस ना कर सको। ओके बाय। 12:35 PM टॉकबैक, टॉकबैक वाटरमार्क ऑफ। अभी स्क्रीन ऑफ हो गया था, स्क्रीन ऑफ हो गया था तो उन्होंने मुझे स्क्रीन ऑफ भी बोल दिया कि स्क्रीन ऑफ हो गया है। ओके मैं इसको डिसेबल करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे, यूज टॉकबैक पे ऑन है, उसको डबल टैप टू एक्टिवेट, तो ऑफ पे प्रेस करेंगे। स्टॉप टॉकबैक, स्टॉप टॉकबैक, टैपिंग स्टॉप विल स्टॉप टॉकबैक, आउट ऑफ लिस्ट, आउट ऑफ लिस्ट जा रहा है वो ऐसे बोल रहा है। स्टॉप बटन, मैं इसको डबल टैप करूंगा, टॉकबैक ऑफ, तो आपका टॉकबैक हो गया ऑफ। अगर आपको किसी बार प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप भी इस वीडियो को में कमेंट डाल सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।